तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी मैं आया हूँ माउंट आबू के प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर में। तो ये यहाँ की मंदिर की एंट्री है और पीछे अंदर में मंदिर है सारे। यहाँ पर 5 बड़े मंदिर है और जैनों का तीर्थ है ये। मंदिर के अंदर मैं आपको लेकर नहीं जा सकता क्योंकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो मैं मंदिर में होके आता हूँ और आपके लिए ड्रोन शॉट रेडी रखता हूँ। तो तब तक आप ड्रोन शॉट देखिए कैसा लगता है और कमेंट करके बताना कैसा लगा ड्रोन शॉट। अंदर बहुत बढ़िया सीन था लेकिन वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो इसलिए मैंने आपको ड्रोन शॉट दिखाया बाहर से, अंदर से नहीं दिखा पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन अभी मैं आ गया हूँ बाहर और चलेंगे यहाँ से नई जगह के लिए। गोमुख करके एक जगह है, काफ़ी बढ़िया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए पहले चढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ से नीचे उतरना पड़ता है। सीढ़ियाँ हैं लगभग 800 जितनी। तो ये रास्ता एकदम सूना है, यहाँ पर अभी तक मुझे कोई दिखा नहीं है इतनी देर से, और जंगल के अंदर होके ये रास्ता जाता है। यहाँ से हम लोग आए नीचे से और वो पहाड़ी का नज़ारा देखो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर पार्किंग है, गाड़ी वगैरह रखने के लिए जगह है, यहाँ पर टू व्हीलर रखी है मैंने। ये एक पॉइंट बना हुआ है, व्यू पॉइंट। तो ऊपर चल के देखते हैं कैसा नज़ारा आता है यहाँ से, देखिए। और यहाँ से आपको नीचे कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है, काफ़ी घना कोहरा है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको, ये बियर की बोतलें, दारू की बोतलें, ये कचरा देखो, सिगरेट, ये सब गुटके। ये जो जगह है वो एकदम धार्मिक जगह है, गोमुख नाम है इस जगह का और भगवान शिव का मंदिर है, काफ़ी पौराणिक जगह है। ऐसी जगह पे भी लोग यहाँ पर दारू वारू पीते हैं और इस तरह से कचरा करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे लोग दिखते तो उनको टोको आप, ये सब बंद होना चाहिए, ये बहुत ख़राब चीज़ है। और नेचर के बीच में आके आप नेचर को गंदा करोगे तो नेचर फिर क्या रह जाएगा। ये रास्ता जा रहा है गोमुख के लिए और नीचे है पूरी खाई, बादल दिखेंगे आपको। ये पेड़ देखो आप, इतना बड़ा पेड़ है, यहाँ से फिर अलग अलग इसकी शाखाएं फैल रही है बड़ी बड़ी। ये नज़ारा देखो आप, पेड़ों के बीच में से ये पहाड़ की चोटी कितनी बढ़िया दिख रही है ऊपर, देखो कितनी शांति है। खड़ी सीढ़ी है तो चढ़ते समय थोड़ा आराम आराम से चढ़ना पड़ेगा, बाकी सीढ़ियाँ अंत तक बनी हुई है और जगह काफ़ी अच्छी है, प्राकृतिक जगह है, नेचुरल जगह है एकदम। अगर आप माउंट आबू आते हो तो यहाँ ज़रूर आना, मज़ा आएगा आपको, क्योंकि ये पहला प्लेस मुझे ऐसा लगा है अभी तक माउंट आबू में जो कि एकदम नेचुरल है और एकदम शांत है। यहाँ से आप देखो ऊपर का नज़ारा कितना बढ़िया है। और यहाँ पर देखो वशिष्ठ आश्रम मुख्य मंदिर नीचे की तरफ है। और ये है वो मंदिर, वशिष्ठ मंदिर। चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। ये मेन मंदिर है वशिष्ठ जी का, तो ये मंदिर है। और बीच की जो बड़ी मूर्ति है वो वशिष्ठ ऋषि की है,
और ये छोटे छोटे राम लक्ष्मण है और ये अरुंधति माता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आबू के अंदर सबसे प्राचीन मंदिर भी यही है और सबसे प्राचीन आश्रम भी यही है, क्योंकि आबू को बसाने वाले ही वशिष्ठ महाराज है। अच्छा। और इसी जगह पर राम जी लक्ष्मण जी ने अयोध्या से आकर पढ़ाई करी थी। अच्छा। माना जाता है कि यहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम के पास प्राचीन उस समय में बहुत बड़ी खाई थी। उस खाई में वशिष्ठ जी की जो नंदनी थी, नंदनी गाय थी, वो गिर गई थी। उस नंदनी को निकालने के लिए वशिष्ठ जी महाराज ने सरस्वती माता का आह्वान किया था, जो युगों युगों से इसी जगह पर बहते हैं और अभी भी बहते आए। जिस जहाँ पहले सरस्वती धारा निकलती थी, फिर किसी राजा महाराज ने उसमें गौ का मुख फिट कर दिया, उसलिए फिर उसका नाम गौमुख पड़ गया था। अच्छा। बाकी ये वशिष्ठ आश्रम है। अच्छा। और फिर चार राजवंशियों की उत्पत्ति भी इसी जगह से हुई है, चौहान, परमार, सोलंकी और परियार। अच्छा, ये आश्रम कितना पुराना है आपका? आश्रम 20,000 साल पुराना है ये वाला, ये आश्रम। अच्छा जी। पिलर भी देख के ऐसा लगता है हजारों साल पुराना है। तो महाराज जी धन्यवाद आपका, आपने इतना सब कुछ हमें बताया उसके लिए। जी जी जी, जय श्री राधे। वहाँ से हम आए अंदर, ये मुख्य मंदिर है और ये छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर पुराने जो ऋषि मुनि थे उनकी चरण पादुका रखी हुई है और ये आश्रम है पूरा। ये भी मंदिर है पातालेश्वर महादेव, छोटा सा, बड़ा सा पेड़ है बीच में और चारों तरफ आप देखो पहाड़ों से घिरा हुआ है, जंगल के बीच में है ये जगह। ऊपर आपको पहाड़ी दिखती होगी बड़ी सी। मूर्ति काफ़ी सुंदर सुंदर है, देखो आप, बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं एकदम। और ये जो आप देख रहे हो खंडित मूर्ति, ये वाली है, ये वाली है, सारी खंडित है। मैंने इनसे पूछा कि ये मूर्ति सारी खंडित क्यों है और इतनी पुरानी मूर्तियाँ हैं, तो इन्होंने बोला ये 1973 में एक बार यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था तो उन चट्टानों से टकरा के उनके नीचे दब के ये मूर्तियाँ टूट गई। वैसे ये मूर्तियाँ हजारों लाखों साल पुरानी है। तो नीचे था आश्रम वहाँ और अभी चल रहे ऊपर की तरफ। यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर है गोमुख। तो ये है गोमुख, यहाँ देखो आप कुंड है, ये गोमुख है, पीछे कुंड है और यहाँ पर बड़ी सी चट्टान है। बाबा जी आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में ऐसा बता रहे हैं कि ये 15 साल से लगभग मौन है, 12-15 साल से। तो आधा घंटा लगा मुझे ऊपर आने में और फाइनली ऊपर आ गए हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से, लेकिन ये जो सामने का सीन है वो देखो आप, वाह क्या नज़ारा है, नज़ारा देखो आप, देखो पहाड़ों के बीच में से बादल जा रहे हैं ऐसा लगता है। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा फॉग हो जाए यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये जंगल के बीच में जगह है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग होता है, नेचुरल जगह है इसके लिए। देखो आप अभी कितना फॉग हो गया, आप दिख ही नहीं रहा है। ये है माउंट आबू का सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट है नहीं, यहाँ से जाना है, ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से आगे जाएंगे, ऊपर लगभग आधा किलोमीटर है तो 10 से 15 मिनट लगता है जाने के लिए। तो सारे घोड़े वाले यहाँ से सनसेट पॉइंट ले जाते हैं, 100 रुपये लेते हैं यहाँ से ले जाने के लिए। पीछे टिकट विंडो है और सनसेट पॉइंट पर जाने के लिए यहाँ से टिकट लेना पड़ता है और एक जने का 75 रुपये टिकट है। तो टिकट ले लेते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। स्टूडेंट है 35 का टिकट है, एडल्ट है 75 का टिकट। तो टिकट दे दिया है मुझे और चलते हैं सनसेट पॉइंट पे, इससे पहले कि सनसेट हो जाए। घोड़े वाले सब आसपास में घूम रहे हैं तो अभी किस किस के घोड़े पे बैठूं? चार रथ बना दो, उस पर मुझे बिठा दो साथ में। अभी देख चार जने, किसको किसको लेके जाऊं भाई? तो ये भाई इतनी जिद कर रहा है तो अभी इसके घोड़े पे बैठना ही पड़ेगा। ये पीछे तक आ गया,
तो आ गए हैं यहाँ पर, घुड़सवारी का शौक पूरा हो गया है और पहुँच गए यहाँ से जाना है ऊपर। तो धीरे धीरे चलते हैं ऊपर की तरफ। बहुत ज़्यादा अच्छा वाला है। ये क्या है? चंदन है। अच्छा चंदन है, पहाड़ी। माँ जी चंदन बेच रहे पहाड़ी। हाँ। चन्ना जोर गरम। हाँ बाबू मैं लाया मजेदार चन्ना जोर गरम। YouTube चैनल पे फॉलो कर देना भाई साहब, इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वो देखो मेरी तरफ से बोल रहा है। तो ये सनसेट पॉइंट सामने दिख रहा है मुझे, आपको दिखाता हूँ। देखो सन शाम को दिखेगा, सन तो दिखने वाला है नहीं क्योंकि बादल है, खाली आप पॉइंट देखो, इसलिए आपको पॉइंट दिखाना था इसलिए लाया मैं। तो पीछे से हम आए हैं और ये पॉइंट है, देखो आप वहाँ से नज़ारा देखो। तो यहाँ से नीचे का नज़ारा देखो आप, ये सारे पॉइंट बने हुए हैं। जैसा ये पॉइंट है ऐसे चार पांच पॉइंट बने हुए हैं और नीचे पूरा नज़ारा आपको दिखेगा। वैसे आज फॉग ज़्यादा है तो नीचे का पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन हल्का हल्का नज़र ज़रूर आएगा आपको। तो यहाँ पर एक पॉइंट है ऊपर, तो ऊपर आ गए हैं और देखो यहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है। ये वो पॉइंट है जहाँ से मैं आया हूँ ऊपर, भी यहाँ से सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते बढ़िया सा नज़ारा एकदम, और वहाँ पर भी एक पॉइंट बना हुआ है। पीछे का नज़ारा देखो, पहाड़ी का एरिया जो पीछे दिख रहा है वो कितना बढ़िया दिख रहा है। काफ़ी अच्छा टाइम बिता है यहाँ पर पॉइंट पर, चना जोर गरम भी खा लिया। ये था सनसेट पॉइंट और अभी चलते नीचे की तरफ। तो फिर से आ गए हैं नक्की लेक पर, तो ये है फाइनल डेस्टिनेशन आज का। अरे वाह, ये सारी आइटम देखो आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ये चटनी बनाने का, ये अगरबत्ती स्टैंड। कितने कितने का देते हो वैसे ये सब? सर ये यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है और ये यहाँ सब आपको चीप रेट में मिलेगा। ये ओनली 30 रुपीज़ का अगरबत्ती स्टैंड है ये। अच्छा। और ये यहाँ की, यहाँ से आप कुछ ले जाए मेमोरेंडम तो ये चीज़ आपको मिलेगा। ये कितने का ये चटनी वाला? ये केवल 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का ये पूरा सेट किट पूरा ये ना जी। 100 रुपए का है चटनी बनाने के लिए ऐसे देखो। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शू टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो